हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है साइंटिस्ट पोजीशन का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी वीडियो किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा नोटिफिकेशन, ये CSIR सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि CSIR का इंस्टीट्यूट है, जिसे CCMB भी बोलते हैं, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, अब इस नोटिफिकेशन में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट है वो 24 अक्टूबर है, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो है 16 नवंबर 2020। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, मेंशन कर रखा है कि जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज 24 नवंबर 2020। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जो पोस्ट है वो मेंशन किया जा रखा है। तो देखिए, यहाँ पे दो पोस्टें निकाली गई, एक सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोस्ट, एक साइंटिस्ट पोस्ट। अब जो सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है वो है 1, और जो पे मैट्रिक्स है इट विल बी लेवल 13 है। तो यहाँ पे एमोलुमेंट्स भी मेंशन किया जा रखा है। तो यहाँ पे आपको 1,93,275 रुपीज मंथली मिलेगा, और जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स का है। वहीं अगर बात करें साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4 है, जिसमें 1 अनरिजर्व, 1 EWS, 1 OBC, 1 ST बैकलॉग है। यहाँ पे आपको जो पे मैट्रिक्स मिलेगा वो 11 मिलेगा, और जो एमोलुमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,03,881, और जो यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो 32 यहाँ पे मेंशन की जा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मेंशन किया टोटल एमोलुमेंट ऑन मिनिमम स्केल इंक्लूड HRA एप्लीकेबल टू हैदराबाद सिटी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो HRA DA भी मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आप सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको PhD इन लाइफ साइंस होना चाहिए विद 6 ईयर पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हु हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोग्राम इन द अबव मेंशनड एरिया एंड गाइडेड PhD स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट का। यहाँ पे एज लिमिट 32 ईयर्स है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 4 है, पे मैट्रिक्स भी बता दिया, एमोलूमेंट्स भी बता दिया। अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपका भाई सिर्फ PhD होना चाहिए या आपने जो PhD सबमिट की होनी चाहिए लाइफ साइंसेस में। अब यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये आपका फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होना चाहिए इन अ हाईली रेप्यूटेड नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में, और एडवांस माइक्रोस्कोपी यहाँ पे विद द फोकल कन्फोकल सुपर रिजोल्यूशन लाइट्स इन माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर बायोलॉजी विद द फोकस ऑफ क्रायो EM और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जेनेटिक मॉडिफाइड माइस मॉडल, बायो फिजिकल टेक्निक जैसे IETS, DDA, DSC, CD, फ्लोरोसेंस, MST, ETC। तो ये सारे जो है आपको हैंडलिंग आनी चाहिए। तो अगर आपका इन सब में हैंडलिंग है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अभी जॉब स्पेसिफिकेशन, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज रिसर्च फैसिलिटी, असिस्ट रिसर्च ग्रुप एंड ट्रेन रिसर्च स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, आपको DA, HRA, TA सारा यहाँ पे मिलेगा, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मिलता है वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको न्यू पेंशन स्कीम 2004 भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, रीइंबर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस सारा जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, हम देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको डेट्स मेंशन करी जा रखी है, कर चुका हूँ कि कौन सी लास्ट डेट है और कब तक आपका जो है जो हार्ड कॉपी है वो सारा पहुँच जाना चाहिए CCMB में। एज लिमिट भी मैंने मेंशन कर लिया है आपसे, तो ये सब भी दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको CCMB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.ccmb.res.in, और वहां पे क्या करना है आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकल लेना है, और एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आपको जितने भी आपके जो टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आपके जितने भी पब्लिकेशन है वो सब आपको सेंड कर देना है CCMB में। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें फी की, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का जो फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप DD बनाना चाहते हैं तो इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CCMB में बना सकते हैं, NEFT ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर नेट बैंकिंग थ्रू आप जो पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक नंबर सब यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है। आप डायरेक्टली जो है अप्लाई लाइक फी पेमेंट कर सकते हैं, फी पेमेंट सिर्फ 100 रुपीज का यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीट ऑफ द हार्ड कॉपी यानी कि जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। तो तब तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल से या जो पब्लिकेशन से उन सारा का जो प्रिंट आउट ले लीजिए, और उस सबको आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड कर दीजिए CCMB हैदराबाद में। ठीक है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा उसमें आपको जो है साइन करना है,
मस्ट साइन द कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन एंड डाटा शीट वाइल सेंडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सारा जो है आपको करना है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन डूली साइंड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे साइन करना है, और आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल्स इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रीप्रिंट्स ऑफ पब्लिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है। सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट, CSIR, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, उपल रोड, हफसेगुड़ा, हैदराबाद 500007, तेलंगाना, बिफोर 24 नवंबर तक आपको जो है वो सेंड कर देना है। साथ ही साथ आपको अपने जो एनवेलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेस्क, यहाँ पे अपना आप पोस्ट पे करिए, जैसे कि आप सीनियर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या साइंटिस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करिए, और साथ ही साथ जो पोस्ट कोड है वो मेंशन करिए, ताकि पता होने चले कि आप जो है कौन से लाइक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, साइंड कॉपी और प्रिंट आउट एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, अगर आप कहीं और दूसरी किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और प्रीप्रिंट्स ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च पेपर और पेटेंट इफ एनी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें आपको भेजनी है और आप कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।